तो गाइस सामने आया हुआ है कबूतर, वो टीन पे बैठा है, तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बहुत तेज चल रही है हवा और कबूतर अपने खुले हुए हैं, तो एक आया हुआ बच्चा है उसे भी पकड़ेंगे, वो सामने बैठा है टीन पे, तो चलो चलते हैं उसे पकड़ते हैं और अपने कबूतरों से भड़की लगाते हैं। तो गाइस ये बैठा है सामने पट्टा, तो चलो चलते हैं छत पे और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइस कबूतर तो हमने अपनी छत पे उतार लिया है, वो सामने पीछे साइड बैठ गया है, आ नहीं रहा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गाइस सामने बैठा है कबूतर और ये है हमारा चेला कलाम। तो कबूतर देखते हैं, इसके मुंह पे मादा है और ये अपने कबूतर यहाँ चुग रहे हैं, तो ये आ नहीं पा रहा है हवा की वजह से, तो इसे पकड़ते हैं, रुको तरीका लगाते हैं कुछ। तो गाइस काफ़ी तेज़ है ये पट्टा, तो कैसे पकड़ता हूँ मैं सोचता हूँ कुछ, फिर पकड़ते हैं इसे। तो गाइस मैं इस साइड आके बैठा हूँ और वो इसके पीछे बैठा है टीन के, तो हाथ भी नहीं जा सकता, बहुत दूर है देख सकते हैं, तो पकड़ें, उड़ाना ही पड़ेगा, उड़ा के देखते हैं एक बार। तो गाइस ये बैठा है सामने कबूतर, इसकी चोंच पे मादा है, पट्टा ही है, ये साइड नहीं आ रहा। तो गाइस मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कबूतर के, ये है देख सकते हैं आप, ये बैठा है। तो देखो कितनी मेहनत चल रही है गाइस, फंदा बना रहा है हमारे दोस्त और अपना कबूतर ये है, तो हमारा दोस्त फंदा बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस पकड़ लिया है फंदे से कबूतर, फंदा निकाल लिया है मेरा दोस्त, पकड़ लिया है ये, देख सकते हैं इसके मादा है मुँह पे और काफ़ी लंबा है, अभी पट्टा ही है, बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं ये है। आखिरकार गाइस कबूतर पकड़ लिया है मैंने, ये रहा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको रोज डेली ब्लॉग देखने मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहें। और कबूतर पकड़ूंगा या लाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये है कबूतर।